लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 21 राज्यों में लोकसभा की 102 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। बंगाल और त्रिपुरा में अब तक 33%, उत्तर प्रदेश में 25% वोट है। पहले चरण की वोटिंग के लिए घरों से निकले दिग्गज। नागपुर में मोहन भागवत और नितिन गडकरी ने डाला वोट। राजस्थान के सीएम बद्रीनाथ शर्मा, पी चिदम्बरम ने की वोटिंग। कमल हासन, रजनीकांत और एमके स्टालिन ने चेन्नई में की वोटिंग। मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। बंगाल के कूच बिहार में मतदान के बीच हिंसा। बीजेपी का टीएमसी पर बूथ एजेंट के अपहरण का आरोप। टीएमसी ने भी अपने पोलिंग एजेंट की पिटाई का लगाया आरोप। दिनहाटा में मिला देसी बम। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार का राम भक्तों को ढोंगी बता रहा है विपक्ष। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। इजराइल का ईरान पर पलटवार। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर। ईरान के इस्फान के एयरपोर्ट के पास किया बड़ा हमला। इसराइल के हमले के बाद अलर्ट जारी। ईरान का एयर स्पेस बंद। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से किया नामांकन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। तीसरे चरण में 7 मई को गांधीनगर में होगी वोटिंग। पाकिस्तान के कराची में जापानी नागरिकों की गाड़ी पर आत्मघाती हमला। कराची पुलिस ने 2 आतंकियों को किया ढेर। महाकोश कच्ची घानी सरसों।